नमस्कार, मैं गेंद्र विश्वकर्मा। झारखंड की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल केकेएल न्यूज को देखते रहें। हजारीबाग में वसूली, एजेंटों पर फूटा लोगों का गुस्सा। महिंद्रा फाइनेंस कंपनी पर प्रदर्शन, एजेंट ने गर्भवती को ट्रैक्टर से कुचल दिया था। हजारीबाग में इचाक में वसूली एजेंटों ने किसान के 3 महीने की गर्भवती बेटी को ट्रैक्टर से कुचल कर मार डाला। घटना के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा, उन्होंने कंपनी के बाहर प्रदर्शन किया। हजारीबाग के इचाक में वसूली एजेंटों की क्रूरता के खिलाफ शुक्रवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने मोनिका के शव के साथ नूरा रोड स्थित महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। इधर मामले के आरोपियों समेत महिंद्रा फाइनेंस के कर्मचारी और अधिकारी शुक्रवार को कार्यालय बंद कर लापता रहे। बता दें कि गुरुवार को एक किसान से ट्रैक्टर की बकाया किस्त की वसूली के दौरान उसकी बेटी मोनिका को उसी ट्रैक्टर से कुचल दिया था। इसमें 3 माह की गर्भवती मोनिका की मौत हो गई थी। किसान मिथिलेश मेहता ने बेटी मोनिका की मौत पर फाइनेंस कर्मियों वालों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए महिंद्रा फाइनेंस के रोशन सिंह समेत 4 को प्राथमिकी दर्ज कराई है। इधर प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुंचे पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा है कि कंपनी के लोग अगर भागते रहेंगे तो उन यहां की जनप्रतिनिधि सामूहिक रूप से उग्र प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने पुलिस से भी आरोपियों का अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की है। मोनिका की मौत ने हर किसी को झकझोर दिया है, लोगों में गुस्सा भी है। सदर विधायक मनीष जायसवाल कहते हैं कि इस तरह के लोगों को रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की ही है। कानून को हाथ में लेकर अगर कोई वसूली करने जाता है तो वह कैसे बिना सूचना के किसी भी ग्राहक तक पहुंच जाता है, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हाई कोर्ट ने इस तरह की वसूली पर रोक लगा रखी है। इसके बाद ही भी कैसे कंपनी के लोगों दादागिरी करते हैं। राह चलते किसी का गाड़ी छीन लेना, जबरन पैसों की वसूली करना गुंडे नहीं तो और क्या है। उन्होंने कहा है कि मोनिका के हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार नहीं करे तो हम लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। वही सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि वह यह एक बहुत ही दुखद घटना है और सभी आरोपियों को अविलंब जेल भेजना जरूरी है। पुलिस गिरफ्तार करके आरोपियों को स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तो इस तरह की जो घटना है, ये घटना बहुत ही दर्दनाक और दुखदायी घटना है, जो इस तरह नहीं घटना चाहिए। क्योंकि कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को अगर बेचती है तो इसके लिए इंश्योरेंस करके रखती है, और ये जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है जो फाइनेंस वगैरह जो करती है, वो अगर यदि कोई अपना इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाता है तो उसके लिए उसके गाड़ी को जब्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उसको इसके फैमिली को खत्म कर दिया जाए। तो आपका क्या विचार है, ये विचार को आप हमारे वीडियो देखने के साथ साथ कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम इस पर कुछ विचार कर सकें।